ऐसे टोपी ले सर पे, टोपी ले सर पे भाई, ठंड है। हाँ चलो मेरे बेटा। हेलो हाफिज़। खुदा हाफिज़। ध्यान से जाना, बारिश भी लगी हुई है, ठीक है। खुदा हाफिज़। बच्चे चले गए स्कूल। हानिया सो रही और बारिश लगी हुई थी बाहर, रुक गई है। वो जा रहे बच्चे, ये देखे बारिश होके हटी है, पूरी रात से लगी हुई थी। और इसके पापा भी काम पे गए हैं, उनकी भी छुट्टी हो गई है क्योंकि वहाँ पे बारिश लगी हुई है जिस जहाँ पे गए हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर तक वो भी आ जाएंगे। ये देखिए मेरा पुदीना और सब कुछ सड़बल गया है मेरा। ठंड हो गई अभी एकदम से। और ये देखिए यहाँ पे लॉक ऐसे हैं, ये ऐसे, सॉरी कहाँ गया लॉक, ये रहा। और ये देखे ठंड की वजह से ना ये शीशे लगे, और मैंने आगे से ये पेपर लगाया हुआ है, मैंने उतारा ही नहीं गर्मियों में भी ना, क्योंकि हम लोग दरवाज़ा ये खुला ही छोड़ देते हैं। ये मतलब कि ये वाली जो विंडो ये खुली छोड़ देते हैं, और ये ऐसे ही रहते हैं ना तो रोशनी भी आती रहती है और मच्छर भी नहीं आता। और हानिया साहिबा सो रही है, देखिए लाइटें वगैरह बंद है, सो रही है। बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और मैंने उनको लंच भी बना के दे दिया था। अब मैं करूँगी नाश्ता, ये छोड़ के गई आधा पराठा, और मैं यही खा लूँगी, चाय लूँगी साथ। तो बस मेरे तो गुजारा हो जी। तो ये है शाम का टाइम हो रहा है हमारे, देखिए आधी रात हो रही है और बादल इतने हो रहे हैं, बल्कि बारिश हो के हटी है, देखें आप लोग नीचे। और पानी का पता भी नहीं चलता कहाँ गया है पानी, और ठंड भी हो रही बहुत ज़्यादा। और चले दिखाती हूँ मैं आपको अंदर किचन में चलते, अभी बारिश रुकी है थोड़ी, रात से हो रही है वक्फे वक्फे से ना। ये देखें बादल, ये देखें जी ऊपर से बारिश वाला मौसम बना हुआ है, बल्कि बारिश हो रही है। और मैंने इतनी ठंड में साग भी रखा हुआ है, ये मैंने काट के अभी पहले पानी में ही रखा है। अभी इसका ना ये उबाल आएगा ना तो इसका पानी निकाल दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा होता है ना साग, तो थोड़ा सा एक दफ़ा पानी निकल जाने तो सही रहता है। ये देखिए अभी ताज़ा ही रखा है मैंने, आज लेके आए थे हम लोग मार्केट गए थे तो वहाँ पे भी मैंने पड़ा देखा तो हम लोग लिया है। और यहाँ पे साथ ही मैंने बनाए हैं करेले गोश्त, बना लिए सालन, तो जब रोटी खाएंगे फिर बना लूँगी रोटी। तो अभी फ़िलहाल मैंने साथ ही साग रख दिया है। जल्दी आ जाऊँ, क्या हुआ है मेरे बेबी को? हाँ ये कह रही है मोबाइल मुझे दे दो। हानिया ने मोबाइल लेना है, और ठंड इतनी है कि हमारा ये कंबल इधर ही पड़ा रहता है बच्चों का, बच्चों के बेड पे पड़ा रहता है और हमारा इधर पड़ा होता है। मैं इधर आके इसके साथ लेट जाती हूँ जब सर्दी रहती, काम से फ्री होती हूँ तो इधर आके लेट जाती हूँ। ठंड की वजह से गला भी ख़राब हो रहा है। मानी ऊपर ले लो ना, ठंड हो रही बेबी, ऊपर ले लो, जल्दी आ जाओ। क्यों आपने क्या करना है? हानी दीदी का आज हॉस्पिटल की इतना इसने तंग किया वहाँ जाके डॉक्टर के पास, तो अल्लाह माफ़ करे। वहाँ पे और भी छोटे छोटे बच्चे आए थे, मैंने कहा अल्लाह ये टीचर्स कैसे बच्चों को संभालती होंगी, इतने छोटे छोटे बच्चों को, एक को एक तरफ से रोको दूसरी तरफ भाग जाता है, दूसरी तरफ से रोको तो वो और तरफ भाग जाता है। ये देखिए अभी लेटी मेरे इंतजार में कि मम्मा आए और मेरे साथ लेटे। अच्छा कर रही फिर बारिश लगी हुई है बारिश। और मैसा भी स्कूल से आ गई है, खाना वाना भी मैसा ने खा लिया। ये यहाँ पे खाना खाया जा रहा है और अंडे के साथ जो सालन बनाया उसके साथ नहीं इनके गुजरती, बाकियों को भी दिखाती हूँ बाकियों का क्या। ये देखें ये तो मैसा बैठी है, खाना शाना खा लिया और मैसा ब्लेज लेके बैठ गई। और ये देखिए स्टंको, हानिया भी इसके साथ चिपक के बैठी हुई, और एक इधर बैठी हुई है देखिए, ये भी रजाई लेके बैठी हुई है। सर्दी होगी बहुत ज़्यादा, ये सर्दियों की पहली बारिश हो रही इटली में, और सर्दी इतनी बढ़ गई है तो वह अल्लाह माफ करे। ये देखें कितना कितना पानी है,
जैसे ही बारिश रुकती है ना तो पानी का पता ही नहीं चलता पानी कहाँ गया। ये देखिए ये सामने स्कूल है और लोग भी इंतजार कर रहे हैं कब बारिश रुके कब वो लोग छुट्टी करके घर को जाएं। सर्दी होगी बहुत ज़्यादा, शुक्र है हुई है नवंबर में जाके, नहीं तो हो जाती सर्दी जल्दी।